गया, क्या डेवलपमेंट आया हैदराबाद में। फिर वही 5 साल में 5 साल एक बार आते, फिर देहात की बात कर कर चले जाते हैं। और यहाँ पर याकूतपुरा में यहाँ के मौजूदा एमएलए 20 साल से यहाँ पर है, जनाब मुमताज खान, जिसको मैं पानी वाले मुंजल के नाम से जानता हूँ। वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, उनको तो इस हलके के महलों के नाम भी नहीं पता। तो आप ऐसे कैंडिडेट को अपना वोट क्यों देंगे? कामयाब होगा वो ऐवान है असेंबली में।
आलमी सतह पर होने वाले जुल्म मजालम, मुल्की सतह पर होने वाले नाइंसाफियां और जुल्म, और बिलखसूस में तश्कील शुदा तेलंगाना स्टेट और इस तेलंगाना स्टेट में मारूख लिखेगा कि ये इनकलाब मजलूमों के नाम लिखेगा, ये इनकलाब उठने वाला, ये मजलूमों का इनकलाब परवान चढ़ेगा और 30 अप्रैल के दिन तारीख लिख जाएगी, एक ऐसी तारीख हिंदुस्तान में लिख जाएगी। नाम बदलता रहा, कभी ये जनसंघ के नाम पे आए, कभी ये आर्य समाज के नाम पे आए, कभी हिंदू मानानी के नाम पे आए, तो कभी हिंदू विश्व हिंदू परिषद के नाम पे आए, तो कभी ये हिंदू वहानी के नाम पे आए, तो कभी ये आर्य समाज के नाम पे आए, तो कभी बजरंग दल के नाम पे आए, तो कभी शिवसेना के नाम पे आए, तो कभी जनसंघ के नाम पे आए। हिंदुस्तान के सर्व गौरव, हिंदुस्तान की 65 साल की आजादी और 60,000 फसादात, और इस फसादात में हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिला। आज इंसाफ की लड़ाई है, सामाजिक इंसाफ के नाम पर 60 साल से ना इंसाफी हुई और इस ना इंसाफी के खिलाफ 30 अप्रैल के दिन आपको फैसला करना है कि कल हमारे असेंबली में कौन बैठेगा और इंसाफ और सामाजिक इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज आप देखते हैं तो दुनिया देख रही है हल्के या खुद पूरा आज तवज्जो का मरकज है, आज मीडिया पूरा तवज्जो है तो हल्के या खुद पूरे पे है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मेरे से काम ले रहा है और ये मजलूमों की आवाज जो या खुद पूरे से उठेगी यकीनन कल पूरे स्टेट में उठेगी, कल पूरा हिंदुस्तान में उठेगी। मुसलमान साझेदारी चाहता है, इस मुल्क में मुसलमान साझेदारी चाहता है, अब ताबेदारी नहीं चाहता। इस मुल्क में आज वक्त आ गया कि मुसलमान अपनी हुकूमतों के साथ साझेदारी चाहता है। कल तक इस मजलूम कौम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया तो कभी सेक्युलर जम के नाम पर इस कौम को जनता पार्टी ने यूज किया तो कभी जनता दल ने यूज किया। हर वक्त पर यह फिर खबरस ताकत है इस हिंदुस्तान में, मुसलमान को इस हिंदुस्तान का शहरी और उसके सामाजिक इंसाफ और सामाजिक हकूक हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक उसके जमहूरी हकूक और फंडामेंटल राइट देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन होने वाला यह लाखों पूरे का इंकलाब कल बताएगा कि कल तेलंगाना स्टेट में आज साझेदारी होगी, गवर्नमेंट में हम साझेदारी करेंगे, हमारे हकूक की लड़ाई बराबर की होगी, हम हर मसले में कामयाब होंगे, हर मसले में अपना हक जताएंगे, हक हासिल करेंगे। कल तेलंगाना होगा मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है, ठीक है। और हिंदुस्तान में भी यह नारा दिया जा रहा है कि मुसलमान वतन दुश्मन है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी दहशतगर्द और टेररिस्ट है। अरे इस हिंदुस्तान को आजादी किसने दिलाई? मेरा सलाफ ने दिलाई। हिंदुस्तान को आजाद किसने किया? मोहम्मद अली बिरादरान ने खिलाफत मूवमेंट चला के आजाद किया। हिंदुस्तान को आजादी का तसव्वुर अल्लाह फजल अठारहवादी की शक्ल में फैले दिया। हिंदुस्तान को आजादी का तसव्वुर 18,000 और नमाजा में शहादत पीकर हिंदुस्तान को आजाद कराए। और यह लड़ाई आर पार की कल ऐवान असेंबली से शुरू होगी। ये जो आवाज आज यहाँ है, इन मजलूमों की आवाज कल गरजेगी ऐवान असेंबली में, सालिमों की निगाह में निगाह मिलाकर मुकाबला होगा।
जात के नाम पे खेल खेला जा रहा है इस मुल्क में। सबका मिला रिजर्वेशन, जब भी कानून में तरमीम हुई तो हरिजन को मिला, गिरिजन को मिला, दलित को मिला, जाट को मिला, यादव को मिला, हर किसी को मिला। किसी को नहीं मिला तो मुझको और मेरी कौम को नहीं मिला। लड़ाई कल ऐवान असेंबली में लड़ जाए। सच्चार कमीशन की रिपोर्ट आई, सच्चार कमीशन की रिपोर्ट बयान कर रही कि हिंदुस्तान में 60 साल में कितनी नाइंसाफी हुई मुसलमानों के साथ। आज दलित हरिजन गिरिजन से नीचे हम आ गए और फिर खिलाफत दावेदार जमात इत्तेहाद की बात की जाती है। अरे जमात से खिलाफ कौन है मेरे भाई? रब्बे काबा की कसम है, मैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम के खिलाफ नहीं हो सकता। ये मेरा बुजुर्गों की जमात है, ये खारजा मिल्लत की निशानी है, ये सिद्दीक़ अकबर खासिम रज़वी अल रहमान की निशानी है, ये अब्दुल्ला शाह साहब के बुला की दुआओं की निशानी है, ये खदीर पिया के दुआओं की निशानी है। ये मेरा बुजुर्ग का रिक्शा चला चला कर पसीना टपका कर जमात को खड़ा किया, वो निशानी है जो रिक्शा चलाया, पान का डब्बा चलाया, बंदी ढकेल कर जमात को यहाँ पर। आज बावर किया जा रहा है कि इंतजार हो रहा है, इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। अरे मैं तो इत्तेहाद की दावत दिया रहा, मक्का मस्जिद आने के लिए दावत दिया, बड़े बाजार में खड़े होकर जुम्मे के दिन मक्का मस्जिद आओ, कोई नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह घर से वजू होकर के तैयार होकर निकला मक्का मस्जिद के लिए। जब मक्का मस्जिद का रुख किया तो पुलिस मुझको अरेस्ट कर दी, पुलिस का सहारा लेकर कब तक जीते? पुलिस का जुलूम दादा के कहा साथ के साथ क्या रहो, अरे उनसे नहीं डरा तो इनसे डरता हूं। बहरहाल आज ये जलसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के खिलाफ है, ना किसी शख्स के खिलाफ, लेकिन आज दानिशमंद हज़रात से मुखातिब हो, मेरी बात भी सुनो। इसलिए किसी जमात, किसी अंजुमन, किसी तहरीक, किसी तंजीम में जब नजरिया दूसरे दर्जे पे आ जाता है और इंफिरादियत और शख्सियत अव्वल दर्जे पे आ जाती है, वो जमात, तंजीम, तहरीक, अंजुमन खत्म हो जाते हैं। आज यही हालात है ना, और बड़ी बड़ी तकारीर की जा रही है, बीजेपी की बात कर रहे हैं। अरे मलक पे हल्के में तहरीक ने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया, मुसलमानों के इत्तेहाद का सबूत दिया। मलक पेट हल्के में तहरीक ने उम्मीदवार नहीं किया। अमन इत्तेहाद तहरीक का कारपोरेटर था, अगर ठहरता तो वहां से बीजेपी जीतने के इम्कान थे, हमने नहीं ठहराया। कारवान में बतब्बर रेड्डी के खिलाफ हमने उम्मीदवार नहीं ठहराया, इसलिए कि बदम्बार रेड्डी कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पे भी आज सुबह सुबह पुंगा लेके निकल रहे और गलियों में कह रहे छोटी बीजेपी बड़ी बीजेपी। क्या अखलाक है भाई इनके। और दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर आलमी सतह पर ये साजिश है मुस्लिम मुसलमानों, ये साजिश है जो मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करता और हकदारों के हक के लिए जहाद करता। ये यहूदियों की थ्योरी है और अंग्रेजी की इस्तेमाल में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की रद्द करो, और जो आवाज बुलंद करेगा मुस्लिमों के लिए, हक के लिए, उसके खिलाफ उसकी कौम को, उसके चाहने वालों को मुनहरिफ करो, उसके खिलाफ कर दो और फिर अपना मकसद हासिल करो। यही सियासत तो याकूतपुरे में चल रही है, ये तरह सियासत कंफ्यूजन, द थ्योरी ऑफ कंफ्यूजन। मैं जानता हूं तुम्हारी यहूदियों की सियासत को, और तुम इसमें नाकाम हो गए, कामयाब नहीं हो सकते। आज आप खुद गौर कीजिए कि एक तो हुकूमत आपका हक देने के लिए तैयार नहीं, और हुकूमत के जब जब कानून में तरमीम आई इस मुल्क में, इस रियासत में, आपने देखा कि शरीयत में मदाखलत हुई, उस पर नारा मुसलमानों ने दिया तो मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल लगी, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद उनके हवाले।
कर दी। ऐसे ना इंसाफ ना हुए। इस मुल्क में दो तीन किस्म की फिरफा परस्ती है। एक फिरफा परस्ती वो है जो अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रैग्मेटिक कम्युनलिज्म, और दूसरा बीजेपी वो संघ परिवार की प्रोग्रामेटिक कम्युनलिज्म। इस दो फिरफा परस्ती के दरमियान फंसा हुआ हिंदुस्तान का मुसलमान आज ये चाहता है कि हिंदुस्तान में इस मुस्लिम कौम की कोई आवाज बोले, कोई कारपोरेट पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि ऐसा लीडर हिंदुस्तान में पैदा हो जिसके पिशाबी पे लिखा हुआ हो लोक का प्रबंध वालों को मैं याद दिलाऊंगा। पहले इस्लाम की तारीफ पढ़ो, सहाबा की तारीफ पढ़ो, खुलफाए राशिदा की तारीफ पढ़ो, फिर कियादत की बात करो, इत्तेहाद की बात करो। आज कियादत की बात करने वाले मैंने इतना छोटा सा मशवरा दिया कि कियादत करने के लिए सबसे पहला पैमाना वो सीढ़ी वो है जहाँ कायदे मिल्लत को देख कर कियादत करो। जिसने अपनी योड़ी को बैतल उम्मत के नाम रखे वक्त किया, बेगम कायदे मिल्लत ने अपना सारा जेवर वक्त किया था उस मुसलमानों के लिए। बेगम कायदे मिल्लत ने सारा सोना दे दिया दारुसलाम खरीदने के लिए। कम से कम आ जाओ मिंबरे रसूल पे खड़े हो जाओ और ऐलान कर दो कि मेरे पास जो कुछ हुई है मैं मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह की खुशनौदी के लिए वक्फ करता हूँ, मैं इत्तेहाद के लिए तैयार हूँ। मैं इत्तेहाद की दावत दे रहा हूँ, मैं इख्तलाफात नहीं चाहता। अब बहुत हो गया इख्तलाफ, अब इस्लाह की जरूरत है, अब कन्फ्रंटेशन नहीं कंसेंसस चाहिए मुसलमानों की तामीर के लिए, मुसलमानों के मुस्तकबिल को खड़ा करने के लिए। मुसलमानों के मुस्तकबिल को खड़ा करने की तो लड़ाई है ना, जमात 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 के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमाए गए और फिर आज जमात के नाम पर फिर कमाने के लिए इलेक्शन में दौलत का खर्चा किया जा रहा। आज मुमताज अहमद खान बड़ी बड़ी बातें कर रहे, मैं कहना नहीं चाहता इसलिए कि मेरे मकसद से कौन हटा सकता है, यह फितरत भी मेरी सुन्नत की अदायगी है, मैं मकसद से हटने वाला नहीं। मेरे मरहूम वालिद के बारे में गुफ्तगू कर रहे मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अपने मकसद के लिए जहाद करूंगा या मजलूम मुसलमानों और जाहिदू फी सबीली लअल्लकुम तुफ्लिहून। जहाद करो अल्लाह की राह में फला पा जाओगे। यह जहाद है, यह इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन नहीं है, यह मजलूमों के हक के लिए अल्लाह की खुशनौदी के लिए जहाद है। इस जहाद में शरीक हो जाओ मुसलमानों। 20 अप्रैल के दिन वतन का वतन दबा के जहाद करो टीवी के निशान पर। कल ऐवान असेंबली में दुनिया देखेगी कि जब एक एक मुस्लिम मुसलमान का आवाज उठेगी और फिर मैं खड़ा होकर वहां जालिमों का मुकाबला करूंगा तो हल्का याकूतपुर में हर मुस्लिम मुसलमान का सीना दो इंच बाहर निकल के आएगा। जब मैंने जो फैसला किया था आज आप गौर कीजिए, अब इलेक्शन क्या बाकी रह गया भाई। हर घर से आवाज आ रही के खिलाफ, हर घर से आवाज आ रही के टीवी को वोट देंगे, हर घर से आवाज आ रही। अब साजिशें किए जा रहे, धमकियां दिए जा रहे, मार दिए जाएंगे। अरे अरे किसे देते हो मौत की धमकियां? मैं कहां जिंदा हूं जो मौत से डर जाऊं? कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खाक थे, हर जमाने में शहादत के यही अजमात थे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खाक थे, हर जमाने में शहादत के यही अजमात थे। अगर मेरा मुकद्दर में शहादत है तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐ मौला ऐ परवरदिगार तू इस मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाते उठाते जालिमों से लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाना पसंद करूंगा, मगर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और
गुफ्तगू के दौर अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ आप तमाम हजरात के सामने। मैं उस मकसद से हटना नहीं चाहता इसलिए कि ये मुस्लिम कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। आज हल्के याकूतपुरा जहाँ 75% सलामी इलाका है, जहाँ मजलूम मुसलमान आज छोटी छोटी चीज के लिए तरस रहा, आज तालीम से महरूम है। अरे तकरीर करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक मजबूर मुसलमान जो माशियत से कमजोर है, जो आज चावल के लिए परेशान है, जो आज अपने बच्चों की तालीम के लिए फीस नहीं भर सकता, जो आज घर का किराया नहीं दे सकता, वैसा मजलूम मुसलमान क्या दुश्मन से मुकाबला कर सकता, क्या बीजेपी से मुकाबला कर सकता? अरे मोदी से डराने वालों से पूछना चाहता हूँ कि आज तालीमी मैदान में तुमने क्या किया? आज ऐलान करने वाले कि मैं 1052 करोड़ का मालिक हूँ, मैं होने से मुखातिब हूँ कि हमारे वोट देते 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 आज ज़ईफ़ी तक आ गए। अरे इस ज़ईफ़ी में पलट के देखा तो आज वो ज़ईफ़ गरीब मुसलमान 2 किलो चावल खरीदने के मौका पर नहीं, लेकिन क़ियादत के नाम पे आज 1052 करोड़ रुपए मालिक होने का ऐलान किया। यही शरीयत है, यही इस्लाम का निजाम है। आज लड़ाई हकदार के हक की लड़ाई है मेरे भाई। आज जमात जमात की बात है तो मैंने ऐलान किया था कि जमात तो मेरे बुजुर्गों की जमात है, अरे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मेरी आल औलाद हर चीज में कुर्बान कर दूंगा मिल्ली के हाथ के लिए, जमात के लिए। लेकिन जमात के नाम पे, इत्तेहाद के नाम पे मजलूम मुसलमानों का इस्तेहाल, इस पे सारा बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो आज या तो गलत फहमी में है या तो सही मालूम नहीं है, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जाके बस्तियों में देखो। आज मुसलमान सरम इलाकों में परेशान हाल है, पहले उनका जायजा लेके किसी की ताईद और मुखालिफत के फैसले करो, इसलिए कि आपकी ताईद से कोई जालिम मुसलत हो जाएगा और फिर आगे मजलूम मुसलमानों की जिंदगी और से हयात बंद हो जाएगी। आज ऐसे हालात में, आज हिंदुस्तान में जो हालात है, उस हालात के पेशनजर एक ताकतवर आवाज की जरूरत है ऐवानों में, जो आवाज कल उन जालिमों से मुकाबला कर सके, मजलूमों की दिफा कर सके। रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन कोई आते क्या? कोई नहीं आते ना? आज आप गौर कीजिए, इन हालात में सबसे अव्वलीन फरीजा यह है कि समाजी इंसाफ को कायम किया जाए। आज तालीमी मैदान में मैंने जलसों में कहा, फिर एक बार कहता हूँ कि हल्के याकूतपुरे में कितने स्कूल बिके, अरे बेचने वाले कौन थे भाई? अरे मैं तो दावत दिया मक्का मस्जिद, आओ बात करने के लिए तैयार हूँ। अरे दावत दिया 4 TV चैनल पे बैठ के बात करेंगे, सारे कौम देख लेगी और फैसला कर लेगी। मैं आज भी दावत दे रहा हूँ कि मैं इस्लाह चाहता हूँ, इख्तलाफ नहीं चाहता। मैं दावत दे रहा हूँ अल्लाह की हबीब की जात को सामने रख के दावत दे रहा हूँ कि मैं इख्तलाफ नहीं चाहता, मैं इस्लाह चाहता हूँ मजलूम मुसलमानों के लिए। एक मनसूबा वन प्रोग्राम जो पुराने शहर के मुसलमानों के मुस्तकबिल को ताबना कराए। आने वाले हालात में अगर ये काम नहीं होगा तो जालिम के जुल्म का निशाना मुसलमान बनेगा। और जब फिसाद हुआ तो तकरीर करने वाले कौन आए? कोई नहीं आए मुसलमानों के लिए। अगर मोदी से मुकाबला करना है, अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, अगर मुकाबला करना है मेरे भाई, तो तवज्जो फरमाइए कि जब तक मुसलमान तालीमी एतबार से ताकतवर नहीं होता, हिंदुस्तान में मुकाबला नहीं कर सकता। तालीमी एतबार से मुसलमान को ताकतवर होना होगा। आप गौर कीजिए, माशरे में जिस घर में तालीम आ गई वो मुअज्जिज़ हो गए, जिस घर में तालीम आई उनकी माशियत, जिस घर में तालीम आई उनकी माशियत ताकतवर हो गई, समाज में उनका मुकाम हो गया। आज 50 साल में क़ियादत में, क़ियादत के नाम पर इस कौम की तालीमी मैदान में कितना काम करे, कितना काम करे भाई। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर निजार रसूल खान का जहर उन्होंने किया, लेकिन आज बुनियादी सतह पर, महलवारी सतह पर तालीमी इदारे कायम हो रहा। जिस तरह RSS की बात किया है हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान में RSS कम से कम 10 लाख शिशु मंदिर चलाती है। और आज नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले कौन है?
इन शिशु मंदिर से तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तान में जाल बिछा दिया नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आज उस बात पे इत्तला नहीं दी जाती। अरे मैं चाहता हूँ कि बच्चा किसी कारखाने में पाना नहीं पकड़ेगा, मुसहया खुसरे का बच्चा बच्चा पेन पकड़ेगा, स्कूल जाएगा। और मैंने ऐलान कर दिया, मेरा प्रोग्राम ये है, मेरा एजेंडा ये है। अब जितनी तनकीद करना है करो, कितनी मुखालिफत करना है करो, मैं अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकिमुल हाकिमीन है, अल्लाह मेहरबान है। और यकीनन आज जो दौलत के नशे में इलेक्शन जीतने की कोशिश करने वाले 17 तारीख के दिन रुसवा होंगे, या को पूरा हल्के से 1 लाख रुपए के संबंध में असेंबली में खड़ा होगा तो सर उठा के इलेक्शन में पोलिंग बूथ लेवल पे काम करके वोट लेने का मंसूबा होना, हर पोलिंग बूथ पे कैसे रिगिंग करना, कैसा वोट दिलाना, यही मंसूबा है ना। इनके मंसूबे में और मेरे प्रोग्राम में फर्क यही है कि मैं पोलिंग बूथ लेवल को एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा। उस पोलिंग बूथ लेवल में 1000 वोटर है और 2 से 3 हजार बच्चे हैं, और 2 से 3 हजार में 500 से 800 हजार बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तालीम नहीं मिलती। उस माँ का, उस बाप का भी अरमान है जो आज जमात के नाम पे वोट दे देता, उसका भी अरमान है कि इनकी भी कोई कफालत करो, इस मजलूम बच्चे को भी कोई तालीम दो, इस बच्चे को भी सामाजिक इंसाफ दो, इस बच्चे को भी समाज में जीने दो, इस बच्चे को भी समाज में मुअज्जज बनने दो, इस बच्चे को भी काबिल बनने दो, इस बच्चे को भी माशियत से ताकतवर होने दो। ये लड़ाई उस मजलूम मासूम बच्चे की लड़ रहा हूँ, शरीका लहू ये इलेक्शन में एमएलए बनने के लिए, इख्तदार के लिए नहीं, मेरे आलोबाद के लिए, खानदान के लिए नहीं, बल्कि उस मजलूम बच्चे के नाम इलेक्शन हो जो आज इसको जाना चाहता, जिसका बाप फीस नहीं दे सकता, जिसकी माँ आज परेशान है, हाल है, अरमान है उसका, उस मुस्लिम बहन की अरमान को परवान चलाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उस कलमा को भाई जो आज रिक्शा चला रहा, ऑटो चला रहा, छोटे छोटे कारोबार कर रहा और मुसलमान के नाम पे अपने मिल्ली फरीजा समझ के मुसलमान लीडरों को वोट देता, मैं हर पोलिंग बूथ पर एक स्कूल कायम करूंगा, स्कूल कायम करूंगा, स्कूल कायम करूंगा। और गवर्नमेंट लाइन तो तकरीबन बिक गई आपको, इंशाल्लाह ताला मेरे लिए अल्लाह रास्ते आसान करेगा, हम इलेक्शन का यहाँ तक रास्ता बड़ी आसानी से ला दिया अल्लाह का करम है। जैसी नीयत अल्लाह वैसे फैसले करता। भाई अहले खैर हजरात आज फोन पे रब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मंसूबा, ये प्रोग्राम हमको भी समझ में आ गया, और 200 का जमीन हर पोलिंग बूथ पे खरीदेंगे, कलेक्टर को हम डोनेट करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में 3,075 करोड़ रुपए है, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत मुसलमानों की 525 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी, 525 करोड़ में 50 करोड़ रुपए नहीं मिले। हाउस कमेटी में मेंबर मजलिस के एमएलए है, होना तो ये था गांव गांव डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जाना और उस 525 करोड़ रुपए से मुसलमानों की तालीम को संवारना, लेकिन उस पर बहस नहीं करते, सिर्फ इल्जाम। अरे अब मुद्दा जमत खान के बारे में क्या कहूँ, इनको क्या मालूम सर्व शिक्षा अभियान, क्या मालूम इनको बजट, क्या मालूम इनको प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, क्या मालूम इनको संचार कमीशन रिपोर्ट, क्या मालूम इनको आरपीई, क्या मालूम आरटीआई, क्या मालूम कानून, क्या मालूम कुछ नहीं मालूम, मालूम तो सिर्फ कितने गज को कितनी जमीन बेचना, इतना मालूम। आज जब स्कूलों का जाल बिछेगा तो ये आरएसएस का जवाब रहेगा मेरे भाई, जब हर स्कूल में 10 क्लास रूम बनेंगे, हर क्लास रूम में 50 बच्चे, हर स्कूल में 500 बच्चे, इस तरह 5 साल में 150 स्कूल लड़ूंगा तो 65,000 बच्चे तालीम हासिल करेंगे। ये जवाब आरएसएस और संघ परिवार को दे रहा हूं मैं, तालीम के मैदान में अपनी खोल को तैयार करके, तालिबान के जरिए उनको खड़ा करके खोल
ये नजरिया है। ऐलान करो ना भाई, आपके पास तो बहुत दौलत है, ऐलान करने में इतना पैसा है, इतना पैसा है। अरे दावत दे रहा हूँ, आओ मैं 150 डालो, आप 300 स्कूल डालो, खून के लिए काम करो, बुरी क्या बात है। अब बोल रहे कैसा करते हैं, कैसा करते हैं, कैसा करते हैं, रोज जलसे में समझा रहा हूँ, मुगलपुर में भी पूछ रहे थे कैसा गार्जमेंट का काम है। ठीक है भाई, गार्जमेंट ही काम कर दी, गार्जमेंट का बजट लाना पड़ता। अरे गार्जमेंट चलाएंगे हम 800 साल में रसलाफ ने हिंदुस्तान को हुकूमत किया, हिंदुस्तान ने आज जो कुछ है, जो कुछ है, ये बुजुर्गों की देन है मेरे। आज हिंदुस्तान में तमीज बाकी है, तमद्दुन बाकी है, इंसानियत बाकी है, इमारत बाकी है, शराफत बाकी है, चंपा बाकी है, चमेली बाकी है, आज कोई तमद्दुन बाकी है तो मेरे रसलाफ की देन है हिंदुस्तान। आज तालीमी मैदान में काम करना होगा। पुराने शहर में आज ये गंगानगर सामने आप देख रहे कि अगर किसी को इख्तलाफ है मेरे राय से अंदर दाखिल हो जाओ और पूछो मुसलमानों से कैसे जिंदगी गुजार रहे, कैसे जिंदगी गुजार रहे। इस हल्के में इस नाले के पास एमएलए और एमपी को आधा घंटा बैठो, बोलो मैं रचे में रहूंगा। ये भी मुसलमान है ना, तुमको बंजारा हिल में पॉल्यूशन फ्री घर में रहते, हैदरगुड़े में पॉल्यूशन फ्री घर, और ये इस हालत में इसका जिम्मेदार कौन है भाई? ये समाजी इंसाफ की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। आज उस मजलूम ये चाहता है कि उसकी आवाज उठे, कोई इस पे फैसला करे। आज मैं जैसा कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन नहीं मिलता, 1027 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सैंक्शन हुआ और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 40% लोन नहीं दिया गया, इसका जवाब दीजिए ना भाई, ये किसकी फेलियर है, किसकी नाकामी है? क्या इस मसले पे बात करना जुर्म है? क्या उन हकदारों का हक नहीं मिला आवाज उठाना जुर्म है? तो मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, इसलिए कि मैं उस गरीब कौम की आवाज उठा रहा हूँ। आज राजीव ग्रहकल्पा में 6 लाख फ्लैग बनाए, 20 लाख फ्लैग बनाए, लेकिन इसमें मुसलमानों को 2% नहीं मिला। आज की राय के बाढ़ों के अंदर मुसलमान कैसे रह रहा, वो भी तो असदुद्दीन अकबरुद्दीन मुमताज को देखना चाहिए। आजकल ऐवान असेंबली में अगर आप कदम रख लूंगा तो सबसे पहले उन गरीब लोगों का जो आज किराए के मकान में है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान एक बड़ा स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है। 60 साल में इस करप्शन ने हिंदुस्तान में यह हालात पैदा कर दिए कि आज 70% लोग सुते गुरबत के नीचे रहते, ये कांग्रेस की देन है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में ये देन है। और यहाँ का जो साम्राज्य का निजाम है, साम्राज्य के निजाम के खिलाफ के लेवाने असेंबली में लड़ना होगा और मुकाबला करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तमाम हजरात आज उन गरीब मजलूम तबके के लिए मुझको वोट दीजिए, आज आप गौर कीजिए। मैं तो तमाम हालात को सामने रख रहा हूँ और दावत दे रहा हूँ, फिर भी इख्तलाफ पैसे बांटे जा रहे, गरीब बस्तियों में जाके माँ बहनों को पैसे दे रहे, बच्चों को लालच दे रहे, गाड़ियां दिलाए जा रहे और कुछ बच्चों को वादे करके चेक भी दिए जा रहे कि पोलिंग बूथ पर वोट देखने के बाद तुम चेक कैश करना। अरे क्या बात है भाई, यही तारीख थी ना मजलिस की कि बगैर 1 रुपए के एमपी बन गए मरहूम सरदार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी भी एमपी बन गए बगैर 1 रुपए के। ये जमात की नजरिया था कि बीजेपी से लड़ना है और अपनी जमात को ताकतवर बनाना है, आज ये नजरिया कहाँ है? आज ये नजरिया, आज बगैर पैसे के तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये वादा करता है कि तुम्हारा नजरिया खत्म हो गया, तुम खत्म हो गए। आज मुसलमान एक इख्तलाफ चाहता है और अपनी जमात को ताकतवर बनाना चाहता है। बोलो भाई, वही जमात है, वही झंडा है, वही प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन बगैर पैसे के लड़ नहीं सकते, बगैर पैसे के लड़ नहीं सकते। आज मैं चाहता हूँ कि इस्लाह करो, इस्लाह करो, इस्लाह करो, खुलफाए राशिदा की तारीफ पढ़ो और उसके बाद कियादत की बात करो।
ये इंतजार का खात्मा होना होगा। मेरी तरफ से तो अब कोई चीज बाकी नहीं रही। अब इसके बावजूद मुझ पे इल्जाम लगाएंगे बीजेपी बीजेपी। अरे बीजेपी को किसने दफन किया मेरे भाई? पुराने शहर में नरेंद्र को किसने दफन कर दिया? बीजेपी का किसने खात्मा कर दिया? अरे पुराने शहर में किया, कल तेलंगाना में संघ परिवार को दफन कर दूंगा। कमजोर पड़ गए इसलिए कि आज तुम्हारे मिजाज में मादा परस्ती आ गई और दौलत का जहर बन गया साम्राज्य और दौलतमंद और आज सरमाएदार की हैसियत से कोई गरीब मुसलमानों का लीडर बाकी नहीं रह सकता। प्रधान भाई, जो लीडर दौलतमंद हो जाता वो कॉम्प्रोमाइज कर देता। कैमरा हिल रहा है। मैंने तो अपने आप को वक्त करके मैदान में उतरा के मैं काम करूंगा। आज मेरी गुजारिश है कि इन हालात में आप खुद गौर कीजिए कि आने वाले हालात में मेरे जीतने से बिलखुसूस मुसलमान और जमात को फायदा होगा या नुकसान होगा। जमात को नया पैगाम मिलेगा, जमात को फिर से नई तरीके से तरतीब देना है। यू गॉट टू रीडिफाइन इट, कम बैक टू योर रूट्स, स्टार्ट वर्क फॉर द मुस्लिम डेमोक्रेसी। फिर से उस जमात की तरफ भागना पड़ेगा, उस माँ बहनों की तरफ रुख करना पड़ेगा, उस मजलूम मुसलमान की तरफ जाना पड़ेगा। और इस जमात के लिए जैसा चांद भाई ने काम किया, फलाना ने काम किया, फलाना ने काम किया, वैसे लोगों की तरफ राहिब होना पड़ेगा। और ये दलालों का बरकस आज दलाली के नाम पे, मजलिस के नाम पे इस्तेमाल इस्तेमाल करते हुए आज जमात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दावत देता हूँ हर मुसलमान को कि एक नई सुबह के लिए, एक नई सुबह को भारने के लिए, एक नई ज्ञान को जागने के लिए आज तहरीक का और टीवी के निशान के बटन को बटन दबाइए, बटन को बटन दबा कर दरखास्त है, गुजारिश है आप तमाम हजरात से क्या अगर इस इलेक्शन में फैसला कौन मौकफ इख्तियार नहीं करे, तब्दीली नहीं आई तो मुस्तकबिल क्या होगा? आज मुस्तकबिल को सवार के कट रहे हैं। आज जो बुजुर्ग हजरात है उनसे इल्तजा है कि हमारी सरपरस्ती करो, अगर कुछ हमसे बात है तो हम सुनने के लिए तैयार है। नौजवानों से गुजारिश है कि आपका कोई मशवरा है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मिल्लत के मफाद में जो चीज है वही काम करेंगे, मजलूम मुसलमानों के मफाद में जो चीज है वही काम करेंगे। लेकिन ये तानाशाही और आज आप देख रहे हैं कि कैनवेसिंग के लिए अमेरिका से मामुआ भी आ गए, स्टेशन पर बैठ के बात कर रहे हैं। अरे 1994 में भी आए थे, 1999 में आए, 2004 में आए, 2009 में आए, अब 2014 में। इनका क्या बस खानदान की पॉलिटिक्स, अपने रिश्तेदार को जिताएंगे फिर अमेरिका का टिकट लेके भाग जाएंगे ये लोग। अरे अब के टाइम जो मामू अमेरिका से आए, जाते जाते भागने को भी अमेरिका लेकर जाना। अमेरिका में रहते इमिग्रेंट है, ग्रीन कार्ड है। अरे मजलूमों की खिदमत कर रहा है तो पासपोर्ट फेर फाड़ो, फेंको और आओ काम करो ना। इनको अमेरिका भी चाहिए, इख्तदार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, मुसलमानों के लीडर भी बनना चाहते हैं। इंशाल्लाह जाते जाते मामुआ भांजे को अमेरिका लेकर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पुराने शहर में भी पासपोर्ट ऑफिस का एक ब्रांच हो। ये बड़े तकलीफ है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आपके ताउन से कामयाब हो जाऊंगा तो इस मसले पे बस भी तवज्जो करके पुराने शहर में पासपोर्ट ऑफिस का एक ब्रांच लेके आकर। भाई
स्थान पर पुलिस एक्शन के बाद पुराने शहर में 1200 स्कूल थे, 1200 स्कूल थे, आज बताओ कितने स्कूल है। आज पुराने शहर में 250 स्कूल है। पुलिस ट्रैफिक से के बात कर रहा हूँ, औकात की जगह का मसला है मेरे भाई। कल इस संबंधी में हमारे अफसरों ने तमाम जज्बात को वक्त से किया था कि आने वाले हालात में मजलूम मुसलमानों का सहारा बने। कल मजलूम मुसलमानों की माशियत, मजलूम मुसलमानों की तालीम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि आज क़यादत मौजूद है, सब मौजूद है, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और उसकी वक्फ जायदाद जिसकी वैल्यू आज 1.5 लाख करोड़ रुपए है, 1.5 लाख करोड़ रुपए। इस असासों को किसने तबाह किया, किसने किया भाई? एमपी थे, एमएलए थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई बन गया। आज मल्टीनेशनल कंपनी आए और गवर्नमेंट तमाम डॉक्यूमेंट को टेम्पर किया गया, तमाम डॉक्यूमेंट को खराब किया गया और गवर्नमेंट लैंड बना दिया गया। जामे निजामिया की मालिकोंडा जागीर 14,000 करोड़ रुपए की जायदाद को गवर्नमेंट लैंड किसने डिक्लेयर किया? राजशेखर रेड्डी ने किया। आई किसने किया आप जानते हैं? जामे निजामिया की 14,000 करोड़ रुपए की जायदाद के लिए गवर्नमेंट से मुकाबला क्यों नहीं हुआ? आज कल ऐवान असेंबली में जामे निजामिया की 14,000 करोड़ रुपए के असासों के लिए अपनी जान पे जान खेल के हुकूमत से मुकाबला करके और मरना फैसला की बना के उस इदारे की जायदाद की हिफाजत करूंगा। आज मेरे भाई औकाफ के 3,04,00,000 करोड़ रुपए की जायदाद है, इसका कोई व्हाइट पेपर नहीं है। गवर्नमेंट गजट में ये कहते आप देखते हैं कि जीओ के अंदर कहते हैं कि ये जायदाद है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप जाके देखो मंडल ऑफिस में उस पर राव रेड्डी का नाम रहता, फिर 8-10 साल के बाद उसको रायतवरी पट्टा, फार्मिंग पट्टा दे देते, काश्तकार का पट्टा देते, औकात की जमीन को बेचता और निकल जाता। और इसमें दलाल लोग जाते और दलाली करते, बेचने खरीदने वाले से मामला करते। अरे ये तमाम मामलों का हिसाब तेलंगाना के संबंध में होगा। जमीन इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप हाथ उठाओ, सलाम करता हूँ तमाम लोगों को, सलाम करता हूँ। एक एक हाथ उठाने वाले पर मैं कुर्बान भी हो गया तो ऐसा नहीं उतार सकता तुम्हारा मैं। जो बच्चा बच्चा इलेक्शन में मेरे साथ काम कर रहा, आज भूख में पसीना पसीना होकर काम कर रहा, आज उनके पसीने के एक खतरे के अवज में मैं सारा खून गिरा दूंगा। कम है इस नियत से काम कर रहा हूं मैं, आज जो मेरे साथ है उनका एहसान नहीं उतार सकता। आज रो रहे, ये हालत है, जाके देखो ना, अगर नहीं दिखता तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। अरे मेरे साथ चलो भाई, क्या इख्तलाफ है, मैं लेके चल के गरीब मुसलमानों के घर दिखाता हूँ कैसे मुसलमान रह रहे। गंगा नगर में, भवानी नगर में, तलाब कट्टा, अमान नगर, अमान नगर है, अमान नगर भी, भावा नगर, भट्टापल्ली, किशनबाग, बहादुरपुरा, कहाँ कहाँ दिखाऊं तुम्हारा को मुसलमान के आंसू? अरे मुसलमान के आंसू तो देखो नहीं, बल्कि
बल्कि आज ऐसा दिख रहा कि पुराने शहर में वो कांग्रेस के लीडर इलेक्शन लड़ते रहा, पांच पांच साल एरिया में नहीं दिखते, धंधे करते खाली, इलेक्शन आते मैदान में उतरते, पैसे लाते, ब्लैक मनी लाते, भागते, इलेक्शन जीतते और भाग जाते। क्या इस मजलूम कौम का भी वही होगा क्या? वही होगा क्या? आज मैं दौलत तो नहीं, कुछ नहीं, अपने मकसद की बुनियाद पे लड़ रहा हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मौला तू हाकिम अल हाकिमीन है वाला, तू दिलों का फेरने वाला है वाला, हासिद के हसद से बचा, जालिम के जुल्म से बचा, काफिर के जबर से बचा। अल्लाह इन मजलूमों पे तुम्हें हरवान हो जा, मजलूमों की किश्ती को किनारे लगा मौला, अल्लाह इस मजलूमों के मकसद को परवान चढ़ाने के लिए मौला तू साजगार माहौल बना दे। अल्लाह तुझको वास्ता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला, अल्लाह तुझको वास्ता बीबी फातिमा तो जहरा के पाक दामन का वास्ता मौला के इस मजलूमों पर रहम फरमा, अल्लाह अहले बैत का वास्ता है मौला, ऐ मौला तुझको वास्ता इमाम अली के मुकाम का वास्ता मौला, ऐ मौला मौला तुझको वास्ता इमाम हुसैन का वास्ता, ऐ अल्लाह उसकी शहादत का वास्ता, ऐ अल्लाह करबला के शहादत का वास्ता, बोला तू मेहरबान हो जा, ऐ बोला तू हजरत हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता, बोला तू इन मजलूमों पे मेहरबान हो जा, ऐ अल्लाह तू ख्वाजा ख्वाजागंज का वास्ता, बोला तू मेहरबान हो जा, ऐ अल्लाह ख्वाजा हिंदुल वली का वास्ता, बोला तू मेहरबान हो जा, ऐ अल्लाह बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता, बोला तू मेहरबान हो जा, ऐ अल्लाह हजरत यूसुफ साहब का वास्ता, तू मेहरबान हो जा, ऐ अल्लाह तू रहम फरमा, तू करम फरमा, पोली के दिन तू खैर का मामला तू फरमा, परवरदिगार तू इंतशार से बचा, किसी मुसलमान का खून का खतरा जमीन पे ना गिरे मौला, मेरी दुआ है, मेरी इल्तिजा है, गुलाम मुस्तफा की हैसियत से तुझसे हाथ उठा के दुआ मांगता हूँ मौला कि किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो मौला, इस इलेक्शन के सबब किसी गरीब को तकलीफ ना हो मौला। आज मैं तो अल्लाह से रुजू हूँ, लेकिन दौलत की बुनियाद पर लड़ने वालों को यह पैगाम देते हुए इस जलसे से रुखसत हो जाऊंगा। इस्लाम की तारीख है, जब जब हम मैदान में उतरे हम कमजोर थे, अकलियत में थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि अल्लाह की जब मदद शामिल हाल होती तो बातिल पे जब गालिब होते तो दुनिया को पता चलता कि दुनिया में अल्लाह की वैदानियत है, अल्लाह की कुदरत बाकी है, अल्लाह का करिश्मा बाकी है, अल्लाह की किबराई बाकी है। और 17 मई के दिन दुनिया देखेगी कि अल्लाह की कुदरत का जलवा या खुदपुर में दिखेगा, अल्लाह की किबरियाई या खुदपुर का नतीजा बताएगी। ताकत हक नहीं, हक ताकत है, यह पैगाम के दिन दुनिया को यह पैगाम होगा कि दुनिया में ताकत हक नहीं, हक ताकत है, मजलूम हक पे है, हक का फैसला होगा। बस मैं यही चाह रहा हूँ, और इसे हक के मेरा कोई प्रोग्राम है ना मंसूबा है कि बंजारा हिल पे बंगला बनाऊ, ना स्विमिंग पूल बनाऊ, ना आलिशान बंगला में रहू, ना कोई हैदरगुड़े में 5000 गज पे घर बनाऊ, ना शाली बंडे पे चौमहल पैलेस के अंदर घर बना के रहू। मेरा वादा है कि 24/7 अवेलेबल रहूंगा, रात के 2 बजे फोन करे तो उठ के आऊंगा इंशाल्लाह। भाई बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, हाँ उसका मसला इंशाल्लाह, पहले मंदिर मंदिर की बात, चार मीनार में जो मस्जिद है मुखफिल है, इंशाल्लाह अल्लाह मुझसे काम लेगा, उस मस्जिद का कुफल तोड़ के नमाज पढ़ूंगा। मैं खुद दाखिल होकर सजदा करूंगा इस मस्जिद में, उनकी आस से डरो, गरीब की दुआ और बदुआ सात आसमान चीर के जाती, आज आह से डरो, उस मुसलमान बहन के आंसू से डरो, तो आज आंसू गिर रहा इस बस्तियों में, उस आंसू की खसम है, इंसाफ के लिए जान दे दूंगा, इंसाफ के लिए उस बहन का आंसू।
खुसूसी लड़ाई उस बहन के लिए लड़ रहा हूँ जो मेरे लिए आज दुआ कर रही घरों में बैठ कर, जिस घर पे जा रहा हूँ माँ बहन हाथ उठा कर दुआ कर कुछ तो उम्मीद करी, कोई तो हमारी आवाज उठा, कोई तो हमारे लिए लड़ रहा, अखबारात में आके पढ़ रहे लोग खुश हो रहे, अरे कोई तो उठा, कोई तो उठा, कोई तो उठा, मैं इंशाल्लाह इन दुआओं के सब खाने कामयाब हो जाऊंगा, उस बुजुर्गों की जड़ परस्ती के सब खाने कामयाब हो जाऊंगा, इन नौजवान बच्चों की ताकत की बुनियाद पर कामयाब हो जाऊंगा। मेरी दरखास्त है कि हर घर घर जाकर समझाइए कि टीवी का निशान है और 30 अप्रैल के दिन 7 नंबर पर टीवी के निशान पर बटन दबा के इस इंकलाब को कामयाब बनाइए, इस इंकलाब को कामयाब बनाइए, और एक बार हाथ उठाकर बताइए क्या मेरे साथ है। Thank you.